जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जहाँ पे स्टाइपेंड 25,000 रुपए पर मंथ भी मिलता है और कुछ कंपनीज 1,00,000 रुपए भी देती हैं। कुछ कोर्सेज रहते हैं ओरिएंटेशन, आईटी प्रोग्राम्स वगैरह, बट फिर भी अब वो उसका स्किल सेट कहीं ना कहीं इतना डेवलप नहीं होता। सर जैसे कि डेटा डेज है, डेटा डेज ज्यादा होना अच्छी बात नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर में, जहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सीए एस्पिरेंट्स के साथ में कि दे need to upgrade their skill set as well. हम कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई करते हैं फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, बट फिर भी ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं फॉल्टर करते हैं जब वो आर्टिकलशिप में जाते हैं या जब कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो जो उनकी स्किल्स है कहीं ना कहीं वो कम रह जाती है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ, फाइनेंस मॉडलिंग, एनालिसिस, वैल्यूएशंस, मर्जर एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसी जगहों पे जहां पर एक सीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो इसी के लिए मैं आज आप लोगों के लिए बेटा ये वीडियो लेके आया हूँ, आप लोगों को बताने के लिए कि आप इन सारी चीजों पे कैसे वर्क अपॉन कर सकते हैं, ताकि बाद में जाके आप लोगों को आर्टिकलशिप के अंदर में एंड ऑल्सो जब आप कल को जॉब में जाएंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी कमी ना हो। सो मैं अपने साथ यहां पर मैं लेके आया हूं वन एंड ओनली विकास सर को, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने सीएफए के 2 लेवल्स को कर रखा है, जिन्होंने बिग फोर के अंदर में वैल्यूएशन के डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, और अब वो पीडब्ल्यू का जो नया हमारा वेंचर है पीडब्ल्यू स्किल्स, उसमें लीड कर रहे हैं, और वो इस चीज के बारे में आज मेरे सारे प्यारे बच्चों को गाइड करने वाले हैं। सो आई वेलकम विकास सर। सर आइए जरा। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय सर। एंड वेलकम सर। वेलकम। सो सर जो है आज हम लोगों को बताने वाले हैं कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, चाहे हम सी एस्पिरेंट भी, मैं बोलता हूँ कि चलो हमने आर्टिकलशिप में जाना है, तो वहां पर में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है विद रिस्पेक्ट टू कि बच्चों को अपनी स्किल्स डेवलप करनी थी सर। तो सर एक मेन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं दैट इज़ कि बच्चों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन दे आर लैकिंग इन प्रैक्टिकल स्किल सेट्स। तो इस कोर्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उन जो ब्रिज, जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एक जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं, इसमें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं एक्सेल, और एक्सेल आज आप आर्टिकलशिप करते हैं या कल को फाइनेंस के किसी भी रोल में जाते हैं तो एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। absolutely. तो एक बच्चों को हमारा कोशिश है कि हम एक्सेल सिखाएं। दूसरा, किसी भी फाइनेंस जॉब का जो पिलर है दैट इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर आप अकाउंट्स के टीचर हैं, बच्चों को रेशियोस कंप्यूट करवाना सिखाते हैं, तो हमें बस बच्चों को यही सिखाना है। आपको थ्योरेटिकली चीज़ें आती हैं, सर ने पेन पेपर पे बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि आप बहुत बड़े नंबर्स के साथ डील करने वाले हो तो वहाँ पे गलती नहीं हो सकती। तो हम सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर दैट इज गोइंग टू बी एक्सेल। एक्सेल में कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं ये बच्चों को सिखाएंगे। एंड सर फाइनली जो हर बच्चे का ड्रीम जॉब होता है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो फिर वो कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को जब वो लास्ट ईयर में अपनी आर्टिकलशिप में जाते हैं तो कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो इन्वेस्टमेंट बैंक में कर सकते हैं, या फिर कल को सीए बनने के बाद कैसे वो इन्वेस्टमेंट बैंक में एंटर कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स कि वो अपनी इन चीज़ों पे वर्क अपॉन करे, इन स्किल्स पे वर्क अपॉन करे, ताकि वो लेटर ऑन जाके जो कई बार देखने को मिलता है कि हमारा जो सीए कोर्स है वो जैसे आपने कहा एक थ्रेटिकल नॉलेज बच्चों को मिल रही है, ये जरूर है। बीच में आईसीआई की तरफ से कुछ कोर्सेज रहते हैं ओरिएंटेशन, आईटी प्रोग्राम्स वगैरह, बट फिर भी अब वो उसका स्किल सेट कहीं ना कहीं इतना डेवलप नहीं हो पाता, वो बाद में जाकर उसे कहीं ना कहीं परेशानी होती है, ठीक है ना। सो ये कोर्सेज हाँ जरूर बच्चे को मदद करते हैं। और सामने जैसे बोला एक्सेल में, फिर भी कहता हूँ एक्सेल आप लोग चलो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, बट जो आप वैल्यूएशन के बारे में बातें आते हैं, एनालिसिस के बारे में आते हैं, बिकॉज जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो मैं भी लेक्चर के अंदर बच्चों को सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे दिखाता हूँ कंपनीज वगैरह की, बट फिर भी ना वहाँ पे एनालिसिस कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द टाइम और बाकी सारी चीजें रहती है, और कल को जाके उन्हें बनाने के अलावा ये काम भी करने, बनाना एक एस्पेक्ट होता है बट कल को ये कि उनको ये चीजों पे वर्क अपॉन करके एनालिसिस भी करने हैं। भाई मर्जर एक्विजिशन के आपको डिपार्टमेंट में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, आप अगर कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूँ किसी म्यूचुअल फंड या बड़ी जो कंपनीज है इनमें भी जो बैठे हैं जो लीड कर रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं उन्होंने ये कोर्सेज साथ में जो चीज़ें कर रखी होती है तभी उनको मजा आता है ये काम करने में। यस सर, आज आपने जैसे सही कहा, आज आप टॉप के कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी देख लीजिए, जो उसका CIO होगा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जो डिसीजन लेता है कौन से शेयर्स खरीदने हैं, वो हमेशा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मिलेगा। तो एंड वी आर नोन कि हमें अकाउंट सबसे अच्छा आता है,
तो आपको अकाउंट्स बनाने भी आते हैं, तो आपको अकाउंट्स एनालाइज करने भी डेफिनेटली आते होंगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा सर, जब मैं प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाता भी हूँ तो इस कोर्स में कुछ नया नहीं है। एक तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से सब करना सिखाएंगे और चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं वो आपको बताया जाएगा। एक ड्रॉबैक जो मुझे दिखता है, जैसे कि मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ एसेट्स अच्छे हैं या लाइबिलिटी, तो बच्चे फटाफट कह देते हैं सर जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे कंपनी उतनी अच्छी है। तो मैं भी यही कहूँगा। तो लेकिन हर एसेट अच्छा नहीं है। हाँ। सर जैसे कि डेटर डेज है, डेटर डेज ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। डेटर डेज ज़्यादा होने का मतलब कि आप उधारी ज़्यादा दे रहे हो, एंड टुमारो देर विल बी प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उधारी दें, तो डेटर एक ऐसा एसेट है जो अच्छा नहीं है। फिर मैं अपने बच्चों से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता हूँ कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना के आए हो, तो आप उसको थ्री हेड्स में डिवाइड करते हो। एक को कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, एक को कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एक को कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो बच्चे कहते हैं सर तीनों ही ज़्यादा होने अच्छी बात है, लेकिन तीनों ज़्यादा होने कैसे अच्छी बात है? अगर आप इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर फाइनेंसिंग से कैश आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपने उधारी करी है, वो भी अच्छा नहीं है। तो बस बच्चों को कंप्यूट करना आता है, सिर्फ एनालाइज करना सिखाना है और कोशिश करनी है कि वो अपने ड्रीम जॉब्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जहाँ पे स्टाइपेंड 25,000 रुपये पर मंथ भी मिलता है और कुछ कंपनीज 1,00,000 रुपये भी देती हैं, तो वहाँ पे बच्चों को लेके। हाँ जी सर। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सर ने आप लोगों को मतलब एग्जाम्पल्स भी लिए और ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। एंड मैं ये भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बेटा मैं जो आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ तो हमको ही पेड कोर्स है, मैं जिसको आपको कहने जा रहा हूँ कि आपने इनरोल करना, नहीं। अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें पहले कुछ सीखना है, हमें लर्निंग लेनी है। तो इसी के लिए जैसे ये वाला आप लोगों के लिए चैनल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं, जो CA के एस्पिरेंट्स है हमारा, CA वाला है, PW है, CA इंटरमीडिएट है, PW है, ऐसे ही सर की जो क्लासेज है वो अवेलेबल होती है फाइनेंस वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है PW के अंदर में ही। तो वहां पर मैं वैसे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज है, बैंकिंग एंड अदर कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस, बट सर अभी शुरू करने वाले वहां पर मैं आप लोग के लिए वीडियोस विच विल बी एब्सोल्युटली जो आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो यूट्यूब पे आप लोग के लिए अवेलेबल होगी, जिससे आप अपने आप के स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो। तो इनिशियली आई थिंक सर आप कह रहे थे स्टॉक एक्सचेंज पहले रिलेटेड वीडियोस आएगी कुछ इनिशियली। सो सर सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लेके आ रहे हैं विच इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे फाइनेंस वाले चैनल पे हम अपलोड करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि म्यूचुअल फंड या हेज फंड मैनेजर्स कैसे काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। हम बच्चों को ये नहीं कह रहे कि उन्हें ट्रेड करना है, बट उन्हें तरीका आना चाहिए। दूसरा फिर हम कोर्स लेके आएंगे एक्सेल के ऊपर, जो आपको मदद करेगा कि कैसे आप अपने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो बिग फोर में। आज हर बच्चे को मेरे हिसाब से सर बिग फोर में जाना चाहिए। बिग फोर का जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, हार्डवर्क है, लेकिन लेटेस्ट गिव इट अ ट्राई कि हमारी आर्टिकलशिप भी बिग फोर से हो, तो एक्सेल वाला कोर्स आपकी मदद करेगा। थर्ड, जैसे कि आपके बच्चों की बैलेंस शीट कई बार टैली नहीं करती है, तो सॉफ्टवेयर में कैसे बैलेंस शीट्स बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो सिखाया जाएगा। फोर्थ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराएंगे। फिफ्थ, फाइनेंशियल मॉडलिंग कराएंगे। और सिक्स, दैट इज गोइंग टू बी वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। तो छह चीज़ें मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूँ, बच्चों को सीखना है, यही इनका एक ऑब्जेक्टिव है। और दो सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा होना चाहिए, वन इज़ अकाउंट्स एंड सेकेंड इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर ये दो सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे जाना चाहिए और इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इन दो एरियाज में नहीं है तो एक्सेल वाला कोर्स आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होगा, लेकिन अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो छः के छः मॉड्यूल्स आप बच्चों को कम्प्लीट करने हैं, और ये आपको मेरे को भी प्रॉमिस करना है और सर को भी प्रॉमिस करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि इस कंटेंट का जरूर फायदा उठाएंगे अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। साथ के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चे अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड है, सो आप PW स्किल्स की वेबसाइट पे जाके इस कोर्स के अंदर में इनरोल कर सकते हैं, जहां पर में आप लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग का इन एंड आउट भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा, एंड साथ के साथ में आप लोगों को मिलेगी सर्टिफिकेशन एज वेल, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में गिवन है मेरे प्यारे बच्चों फॉर योर एनरोलमेंट। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों पे कि आप इन कोर्सेज का भरपूर फायदा उठाएंगे टू अपग्रेड योर स्किल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।